हेलो साथियों वेलकम टू एग्जामपुर हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति मैंने फिर से आप सभी के सामने आपके अपने परिवार एग्जामपुर में मेरे प्यारे साथियों जल्दी से आ जाइए शुरुआत करते हैं आपकी क्लास की जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी टेट इंग्लिश हम क्या कवर करा रहे हैं आपकी यूपी टेट इंग्लिश है ना यूपी टेट इंग्लिश यहां पर हम आपकी बात कर रहे हैं यूपी टेट इंग्लिश के बारे में और जो कि क्लास आपकी डेली कितने बजे होती है सात बजे कितने बजे आपकी क्लास होती है डेली शाम सात बजे आपकी क्लास होती है और साथियों आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो टारगेट है इंग्लिश में वो थर्टी आउट ऑफ थर्टी का है कितने का है कम से कम हमको तीस में से तीस का स्कोर करना है जिसके लिए आपका जो वो का सेक्शन है वो सेवन टू एट मार्क्स का आपका आना है तो आपको इसके लिए खुद को कैप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा तभी जो है आप पूरे आउट ऑफ आउट मार्क्स जो है ला सकते हैं ठीक है दिखे? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की आपकी कमाल की वो कैब्स की है ना और देखते हैं हमारे सामने यहाँ पर कौन सी वो कैब आने वाली है फर्स्ट वो कैप देते हैं देखिए आपके सामने, आपके सामने, आप आपके सामने तो यहां पर फर्स्ट वो कैब आपके सामने आ चुकी है फर्स्ट वो कैब आपके सामने यहाँ पर बेली तो सभी लोग यहाँ पर देखिए समझिए और आंसर कीजिए आपके सामने यहाँ पर क्या है बेली आपकी यहाँ पर फर्स्ट वो है सभी साथियों को क्या करना है इसका यहाँ पर आंसर करना है तो फटाफट फड़ से सभी लोग बिल्कुल भी देर मत कीजिए और आंसर कीजिए बेलीग्रेंट में आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं आपका समय शुरू होता है अब चलो 15 सेकंड ले लो फटाफट फड़ से, ठीक है? लेकिन सभी को आंसर जरूर बताना है कि आपका ये आंसर होगा ठीक है चलिए भाई आंसर कीजिए आपके सामने आपके कैफ फर्स वो कैब बैली ग्रेंड जल्दी से बताइए बहुत अच्छे चलिए बताइए सोचिए समझिए चलिए देखिए मैं आपको समझाता हूँ देखिए आपका जो वर्ड है बैली बहुत अच्छा वर्ड है बहुत कमाल का वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है आपका गंभीरता क्या होता है इसका मतलब आपका गंभीरता है, गंभीरता है है राइट अब देखिए हम बात करते हैं इस वर्ड को देखिए आपको बहुत मजा आएगा इस वर्ड को अगर आप ध्यान से देखें इसकी ट्रिक के बारे में साथ ही अगर आप इसकी ट्रिक के बारे में थोड़ा सा भी ध्यान दें तो आप अगर ध्यान से देखेंगे ये जो बेली है ये साउंड कर रहा है आपका बिल्ली जैसा कर रहा है नहीं कर रहा है आप लोग इस बिल्कुल कर रहा है बिल्ली है ना बिल्ली जैसा तो बैली ग्रेंड बिल्ली कैसी होती है बड़ी अटैकिंग मोड में होती है हमेशा चुपचाप से जाती है और चूहे को कैसे अचानक से पकड़ लेती है तो बड़ी झगड़ालू टाइप की होती है तो हम यहां से याद कर सकते हैं और देखो वाला वर्ड ऑप्शन नंबर डी जिसका यहां पर है राइट आंसर है, वो भी बिल्कुल सेम साउंड कर रहा है बैली ग्रेंड बैली कोस तो यहां पर क्या है दोनों वर्ड को आपको याद करना काफी आसान है हर एक ऑप्शन का हम बात करते हैं ग्रेविटी का मतलब होता है आपका गंभीरता किसी भी चीज की सीरियसनेस क्या होता है आपका गंभीरता इसको हम क्या बोलते हैं आपका सीरियसनेस बोलते हैं क्या बोलते हैं सीरियसनेस है ना सीरियसनेस ये क्या होता है आपका गंभीरता होती है सीरियसनेस ठीक है ब्रेविटी का मतलब होता है किसी चीज को संक्षिप्त कर देना कंसाइज कर देना संक्षिप्तता है ना संक्षिप्तता किसी भी चीज को कंसाइज करना बहुत ज्यादा ब्रीफ में बोल देना छोटा कर देना हमारा क्या होता है आपका ब्रेविटी शाइन का मतलब क्या होता है आपका चमक शाइन जिसको हम क्या बोलते हैं आपका चमक बोलते हैं तो सभी लोग इसको भी नोट कर लीजिए तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पर चमक हो गया तो सभी लोग फटाफट फड़ से यहाँ पर आप नोट कर लीजिए फिर अपन बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट कैब की तरफ तो काफी अच्छा आपका यहाँ पर ये यह चारों हमने देखा तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक क्वेश्चन में आपको कराता हूं तो उसकी कम से कम चार से मल्टीप्लाई कर दिया करो यानी कि अगर मैं आपको सात क्वेश्चन करा रहा हूं इस क्लास में तो सात चौक अट्ठाईस कम से कम आप 25 से 30 वो कैब एक क्लास में कवर कर लेते हो एक छोटी सी क्लास में ठीक है चलिए तो नोट कर लिया आपने लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स मूव टू द

बढ़िया वर्ड है बढ़िया वर्ड है कमाल का वर्ड है आंसर कर दो सभी के सभी ठीक है आपके सामने पर क्या है है नेक्स्ट वो चलिए आंसर कीजिए सभी लोग यहाँ पर फटाफट से आंसर कीजिए कीजिएट जल्दी से बताइए भाई बिना सोचे आंसर कीजिए फटाफट से तेजी से चलिए इसके बारे में बात करते हैं है ना देखिए आपका जो वर्ड है यहाँ पर है इसका मतलब क्या होता है आपका घिसा पिटा है ना कहते ना यार ये बिल्कुल बेकार है बकवास है है ना घिसा पिटासा है कैसा है बड़ा घिसा पिटासा है है ना मान लो आपको सामान लेने गए और वो सामान आपको अच्छा नहीं लगा तो आप क्या बोलते हो बड़ा घिसा पिटासा है। कैसा है आपका बहुत बेकार है घिसा पिटा है वो हमारा क्या होता है आपका बैनल ओरिजिनल कैसा होता है आपका वास्तविक होता है क्वेक आपका काफी अच्छा है इसका मतलब क्या होता है आपका नकली क्या होता है इसका मतलब आपका नकली फेक है कैसा है फेक है यानी कि नकली है ये क्या होता है आपका क्वैक होता है क्या होता है आपका क्वैक यानी कि नकली या फेक उसके बाद हम बात करते हैं आपके ऑप्शन नंबर डी की तरफ नेव नेव का मतलब क्या होता है आपका मतलब सीधा साधा सा कैसा होता है बड़ा सीधा साधा सा बड़ा सीधा है बड़ा कैंडिड है तो इसको भी आप सभी लोग नोट कर लेना तो देखिए एक वोकैब दो वोकैब है ना तीन वोकैब एक देखो काउंटिंग कराता हूं आपको 1 2 थ्री चलो फेक को हम इग्नोर कर देते हैं फेक सब लोग जानते होंगे तो ये क्या हो गई आपकी तीन हो गई ओरिजिनल चलो हम मानते हैं सब लोगों को पता होगा तीन हो गई चार बैनल पांच कितनी कराई पांच हो क्या क्वेश्चन कितना एक वैसे तो ये बहुत सारी हैं लेकिन मैंने ओरिजिनल को छोड़ दिया ओरिजिनल सब जानते होंगे फेक को मैंने छोड़ दिया फेक सब जानते होंगे तो देख रहे हैं आप मैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल की बातें करता हूं वास्तविकता की बातें कि जितना पढ़ा रहे हैं इनकी एक क्वेश्चन में पांच आपसे इनको मिलनी है इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है नोट करो फिर अपन आगे बढ़ते हैं चलिए शाबाश बढ़िया बढ़िया इसको सभी लोग नोट करें फिर मैं आपको आगे बढ़ाता हूं आगे समझाता हूं ठीक है चलिए नेक्स्ट लेते हैं थर्ड नंबर अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पर क्या है लाइसन क्या है आपके सामने अगला क्वेश्चन यहां पर एल आई ए आई एल आई ए आई एन लाय मतलब क्या होता है सभी को बताना है पंद्रह मैं दे रहा हूं ठीक है हाँ बताइए फटाफट से जल्दी से बताएं लायसन है ना आपके सामने क्या यहां पर क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या आपके सामने यहाँ पर लायसन फटाफट से बता दीजिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर थर्ड आप सभी के सामने यहाँ पर लायसन है ना बता दीजिए फटाफट से सभी लोग यहाँ पर आपका यहां पर इसका क्या मीनिंग होने वाला है <coughs> फटाफट से बताएं जल्दी बताएं बहुत अच्छे शाबाश जी चलिए इसके बारे में हम आपसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड सभी लायसन होता है अवैध संबंध किसी से भी कहते हैं ना उसके यार मतलब अफेयर है उसका अफेयर चल रहा है उससे अवैध संबंध चल रहे हैं तो हमारा क्या होता है ये लायसन होता है तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए दे रखा है अफेयर अवैध संबंध को हम क्या बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं अफेयर क्या बोलते हैं इसको अफेयर तो यहां पर क्या लिख भी देता हूं आपको अवैध संबंध क्या होता सम्मन. है, है आपका लाएसन अवैध संबंध है ना चलिए इसको हम क्या बोलते हैं आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक है योग के बारे में बात करते हैं देखिए योग जो होता है ना आपने खेतों में देखा होगा बैल से जब उसको जो खेती करने वाला जो वो होता है ना ऐसे वो जोड़ते हैं वो जो, जो जोड़ते हैं जैसे खेती होती है ना गांव में जब खेत को जोता जाता है तो वो जो लकड़ी का फ्रेम सा होता है उस फ्रेम को जब बैल के कंधों से जोड़ा जाता है वो जो पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं आपका योग है? भाग्य आप भाग ठीक, भाग भाग ठीक है तो सभी लोग इसको नोट कर लीजिए फिर मैं आपको आगे बढ़ता बताता हूँ समझाता हूँ ठीक है चलिए सभी लोग इसको नोट करें फिर अपन आगे बढ़ते हैं ठीक है शाबाश बहुत अच्छे वेरी गुड वेरी गुड नोट कर लीजिए सभी लोग यहाँ पर ठीक है नोट कर लीजिए ठीक है चलिए नोट कर लिया सभी ने नेक्स्ट ओके अब आपको देता हूं जरा देखिए समझिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ पर फोर ट्रेवेस्टी अगला वर्ड आप सभी के सामने क्या है ट्रेवेस्टी बताइए है ना बताइए जल्दी से बताएं ट्रेवेस्टी आपके सामने क्या है अगला वर्ड है मस्त वर्ड है बताइए ट्रेवेस्टी जल्दी से बताएं फास्ट जल्दी बताएं बहुत अच्छी अच्छी वो कैब मैं आपको यहां पर करा रहा हूँ मस्त वाली लेटेस्ट वो कैब है आपकी है ना अलग अलग एग्जाम में आपकी आई हुई है ठीक है अलग अलग एग्जाम से मतलब अलग अलग पेपर से मैंने उठाई है एग्जाम गलत बोल गया अलग अलग न्यूज से यहाँ पर मैंने वो कैब को उठाया है ठीक है चलिए बहुत अच्छी बात है वेरी गुड वेरी गुड तो सभी लोग यहाँ पर इसका आंसर कीजिए जल्दी से शाबाश शाबाश तो यहां पर क्या है आपके सामने क्वेश्चन नंबर फोर क्या है आपके सामने यहां पर ट्रेवेस्टी है देखिए ट्रेवेस्टी का मतलब आपका क्या होता है हास्यजनक क्या होता है बहुत ज्यादा टाइप किसी का मजाक उड़ाना है क्या बोलते हैं आपका हास्यजनक किसी का मजाक बनाना किसी का हास्यजनक करना ठीक है ये हो गया आपका ऑप्शन की तरफ यहां पर आते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका सी मौकरी आपको क्या नजर आता है मौकरी अगर इस वर्ड को मैं ध्यान से देखूं तो ये ट्रेवेस्ट्री में कहीं ना कहीं ट्रैवल छुपा हुआ है छुपा हुआ है नहीं छुपा हुआ है बोलोगे हाँ सर बिल्कुल जब आप कभी अपने दोस्तों के साथ यात्रा करते हैं घूमते हैं तो आपको वहां पर एक चीज नजर आती होगी क्या ट्रेवल आप बोलोगे हाँ भाई ट्रेवेस्टी मतलब जब आप यात्रा करते हैं ट्रेवलिंग करते हैं तो आपको वहां पर मस्ती नजर आती है भाई ट्रेवल में क्या करते हो मस्ती करते हो तो ट्रेवल प्लस मस्ती जब आप मस्ती करते हो तो क्या होता है एक दूसरे का मजाक उड़ाते हो क्या करते हो मजाक उड़ाते हो ट्रेवल प्लस ट्रेवेस्ट्री यानी कि ट्रैवल प्लस मस्ती यानी कि ट्रैवल में क्या करते हो आप मजाक उड़ाते हो राइट हर एक ऑप्शन बात करते हैं ऑप्शन नंबर एक क्या आपके पर फ्यूगेटिव फ्यूगेटिव का मतलब क्या, क्या होता है आपका भगौड़ा क्या होता है भगौड़ा जो भाग जाता है ठीक है उसमें क्या बोलते हैं आपका भगौड़ा कैप्टिव का मतलब क्या होता है आपका बंदी कैदी है ना जिसने क्या किया है क्राइम किया है जिसको पकड़ा गया उसमें क्या बोलते हैं आपका कैप्टिव फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर बी आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर क्या है सीरियसनेस यानी कि कोई भी इंसान सीरियस है वो जाता है क्या साहब ना, है ना सभी लोग जाते हैं सीने से सभी लोग एक बार नोट कर लें फिर मैं आपको आगे बताता समझाता हूँ अगली वो कैब के सामने पर क्या आने वाली है ठीक है चलिए ठीक है तो यहाँ पर आपकी बड़ी कमाल की ट्रिक थी जो मैंने आपको यहाँ पर बताई तो एक बार नोट कर लीजिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वो कैप की तरफ जल्दी से भाई ठीक है बिल्कुल भी देर नहीं करनी है आपको ठीक है तो यहाँ पर सभी लोग इसको नोट कर लेना शाबाश बहुत अच्छे

नेक्स्ट वो क्या आपके सामने यहाँ पर क्या है बिहू तो आंसर कर दो तो फटाफट से आपका यहां पर बिहूफ का आंसर क्या होने वाला है जल्दी से बता दो भाई फटाफट से बिल्कुल भी देर नहीं होनी चाहिए ठीक है बिहू हां बहुत अच्छे सोचा करो थोड़ा सा टाइम देना तो सोचो

योग्य बनाना किसी चीज को बेहतर बनाना योग्य बनाना हमारा क्या होता है आपका बिहू होता है ऑप्शन की तरफ यहां पर आते हैं तो यहां पर आपको बीसीम ऑप्शन नंबर बी आपको यहां पर राइट आंसर नजर आता है है का मतलब क्या होता है? किसी को योग्य बनाना बेहतर बनाना राइट हम हर एक क्वेश्चन बात करते हैं आपको जैसे कि पता है इवान सेंट का मतलब होता है आपका क्षणिक बहुत पल भर का है ना पल भर वाला क्षणिक है बिल्कुल मोमेंट्री है एक सेकंड में जो है वो नष्ट हो जाएगा बदल जाएगा तो उसमें क्या बोलते हैं आपका इमान सर ठीक है आइडलर का मतलब क्या होता है आपका कैसा है आपका समय को नष्ट करने वाला समय इसमें बोल था है। गया था क्या मैं चलो कोई दिक्कत नहीं है आपका क्षणिक है ना कभी दिमाग हो जाता है आइडलर का मतलब क्या होता है आपका समय नष्ट करने वाला समय को बर्बाद करने वाला ठीक है चलिए ये आपको क्या हो गया आपका आइडलर स्किन वाला सभी लोग जानते हैं यार स्किनी है स्किन से रिलेटेड है हमारा क्या होता है आपका स्की होता है ठीक है तो यहां पर क्या है आपका ये आपके चार ऑप्शन यहाँ आप पर आपके क्लियर हो जाते हैं ठीक है चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है ना अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर हम मूव करते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका जो सिक्स है उसको हम देखते हैं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पर क्या है तो सभी लोग फटाफट इसको देखिए आंसर कीजिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पर क्या है स्टीमुली फटाफट का आंसर कीजिए जल्दी से बिल्कुल भी देर मत कीजिए ठीक है चलिए है ना क्वेश्चन नंबर सिक्स आप सभी के सामने पर क्या है ठीक है तो फटाफट आंसर कर दीजिए मजा यहाँ पर आ जाना चाहिए ठीक है चलिए सोचिए समझिए फिर इसका हम यहां पर आंसर करते हैं ठीक है चलिए बहुत अच्छी अच्छी वो कैब आपको दे रहा हूं बहुत छठी हुई वो कैब आपको दे रहा हूं ताकि आप लोग जो है इसका फायदा उठाए ठीक है चलिए देखिए स्त्री का मतलब क्या होता है आपका प्रेरणा क्या होता है आपका मतलब इसका प्रेरणा क्या होता है इसका मतलब आपका प्रेरणा स्त्री है यानी कि प्रेरणा है कैसा है आपका प्रेरणा कह ना यार ये स्टीमली है यानी कि आपका प्रेरणा है उससे कुछ सीखना है कैसा है, आपका stimuli, है क्या मोटिव है मोटिव वो आपका यहां पर राइट right आंसर इसका हो जाता है राइट right? डिसअल का मतलब क्या होता है आपका अस्वीकृति क्या होता है इसका मतलब आपका अस्वीकृति यानी कि किसी को क्या मिल जाना किसी को किसी से क्या मिल जाना क्या ना अस्वीकृति डिसअल किसी को डिनाइल मिल जाना कहते हैं ना यार उसको मना कर दिया मैं किसी चीज की परमिशन लेने गया था उसने मेरे को मना कर दिया तो उसको क्या बोलता है आपका चीज को, मतलब को मजबूत बनाना क्या करना मजबूत करना स्ट्रोंग करना क्या करना किसी चीज को मजबूत बनाना मजबूत बनाना है ना स्ट्रोंग करना मजबूत बनाना तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें रोबस्ट यहां पर साउंड कर रहा है आपका रोबोट जैसा कैसा साउंड कर रहा है आपका रोबोट तो आप याद कर लीजिए रोबस्ट है, रोबोट जैसा साउंड कर रहा है कैसा है आपका रोबस्ट ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं आपसे डिस्टिंक्शन वर्ड के बारे में डिस्टिंक्शन वर्ड का मतलब होता है आपका भेदभाव क्या होता है साथियों मतलब है आपका भेदभाव भेदभाव है डिस्टिंक्शन है है ना ये हमारी सारी बातें निकल करके आती है तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए इस वर्ड को डिस्टिंक्शन को तो यहाँ पर आप था 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 था, आपको एक चीज नजर आएगी डिस्क्रिमिनेशन एक वर्ड और होता है वो सभी लोग नोट कर लेना है आपका भेदभाव सभी लोग यहां पर इसको नोट कर डिस्क्रिमिनेशन आपका यहाँ पर डी यह, no. यहां पर हो जाता है ठीक है चलिए सॉरी जल्दी से मैंने रिमूव कर दिया एक बार नोट कर लें सब लोग फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराता हूं तो जल्दी से सभी लोग नोट करें फिर अगले क्वेश्चन की ठीक है चलिए जल्दी से सभी लोग यहां पर नोट करें शाबाश नोट कर लिया अगला क्वेश्चन देता हूं मैं आपको यहां पर अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं वेरी ये आपके सामने यहां पर क्या है अगला क्वेश्चन आ चुका है सभी साथ ही यहां पर अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे जल्दी से यहां पर सभी लोग अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे फटाफट से जल्दी से एक बार सोचिए समझिए फिर हम अगले क्वेश्चन की तरह मूव करते हैं चलो भाई आपके सामने क्या है अगला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आ चुका है अगले क्वेश्चन भी जरा यहां पर देखते हैं अगला क्वेश्चन के सामने क्या है वेरी देखिए वेरी का मतलब क्या होता है आपका भिन्न भिन्न होना होना क्या होता है होना। कोई भी चीज किसी से अलग होती है कैसी होती है भिन्न होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं आपका वेरी यानी कि कोई भी चीज अब किसी से अलग है तो उसको हम क्या बोलते हैं आपका भिन्न होना यानी कि वेरी होना क्या होना आपका भिन्न होना यानी कि आपका वेरी होना क्या होता है आपका क्वेश्चन नंबर सेवन यानी कि भिन्न होना अलग होना तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें

है, है, एग्री दोस्ताना ठीक है, अच्छा होना, होना, है, मतलब है यहां पर क्या आपका इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाता है चलिए अगला क्वेश्चन लगाता हूं मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने यहां पर ये जल्दी से फटाफट से सब लोग देखिए समझिए और आंसर कीजिए फटाफट से यहां पर क्या है आपके सामने अगला वर्ड है फटाफट से आंसर करना ठीक है तो साथियों क्या है आपका क्वेश्चन नंबर एट है तो क्वेश्चन नंबर एट की तरह चलते हैं फटाफट से देखिए क्वेश्चन नंबर एट क्या है यहां पर स्पीड वर्ग देखिए स्पीड वर्क का मतलब क्या होता है आपका कठिन परिश्रम क्या होता है आपका कठिन परिश्रम बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना क्या होता है आपका यहाँ पर कठिन परिश्रम का यहाँ पर मीनिंग हो जाता है स्पेड वर्क यानी कि बहुत ज्यादा वर्क करो से आप इसको याद भी कर सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका जो डी है हार्ड वर्क वो आपका यहाँ पर इसका राइट right आंसर हो जाता है क्या हो जाता है आपका हार्ड वर्क ओबिलाईज का मतलब क्या होता है आपका किसी को मजबूर करना क्या करना मजबूर करना क्या होता है आपका ओबिलाईज हो जाता है ठीक है फिर आता है हमारे आपका लास्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी मिंडर देखिए मिंडर का मतलब होता है किसी को घुमावदार तरीके से कहना क्या है ना घुमावदार तरीके से बोलना हमारा क्या होता है आपका मिंडर गुमावदार तरीके से किसी बात को किसी भी बात को तो कन्वे करना आगे भेजना या कोई भी बात को तो कहना हमारा क्या होता है मिंडर होता है तो यहाँ पर क्या है? हमने आज हमने जाना बहुत सारी वो कैप को लगभग हमने एट क्वेश्चन के आसपास किए जिसमें कि हमने लगभग थर्टी के आसपास यहाँ पर वो कैप को कवर किया साथियों अगर क्लास को अच्छी लगी हो मजा आया तो एक बार सभी लोग लाइक जरूर कर देंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे आपको क्लास कैसी लगे ठीक है तो फिर मिलते हैं आपसे कल आने वाली आपकी अगली क्लास में तब तक के लिए इस तरीके आते रहिए जय हिंद जय भारत